अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम आए हैं वेरीनाग। आज हम इस पार्क और यहाँ जो है चश्मा है बहुत ही खूबसूरत, इसको हम आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, हम इसकी बहुत सारी खूबसूरत भी बताएंगे और इतना ये भी बताएंगे इसकी डिस्टेंस क्या है और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम डाल रहे हैं बाइक को पेट्रोल, यहाँ से हम निकलेंगे और बने रहे हमारे साथ। तो हाँ जी गाइस, जैसे आपको पता है कि हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से वेरीनाग तक है 30 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे देखो क्या होता है। तो हाँ जी गाइस, हमने यहाँ से टिकट्स लिए हैं, अब मिलते हैं अंदर। हाँ जी गाइस, अभी मैंने आपको बाहर बताया कि हम अंदर जा रहे हैं, तो हम पहले जाएंगे चश्मे के और देखिए, तब तक ये यहाँ का खूबसूरत जो ये व्यू है ये देख लीजिए। तो व्यूअर्स, हम पहुंच गए चश्मे के नज़दीक। आप देख सकते हो चश्मे की व्यू, ओहो हो खूबसूरत व्यू, क्या नज़ारा है। इसकी जो लोकेशन है ये जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के एरिया में पड़ता है, और इसकी जो खास एक बात है, ये मुगल साम्राज्य के बादशाह जहांगीर ने ये चश्मा बनाया है। इसकी जो हिस्ट्री है 1620 AD में बनाया गया है इसको, लेकिन इसका जो गार्डन है वो उसके बेटे ने बनाया है, शाहजहां ने। तो मैं अपने भाई से कहूँगा कि इसके 2-4 सिनेमैटिक शॉट ले ले। और ये दूसरी बात कहना चाहता हूँ आपके साथ, आपको ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, मशहूर है ये जगह अनंतनाग में, वेरीनाग इसका नाम है, और ये सब आप सबको पता ही है। अब मेरा भाई इसके सिनेमैटिक शॉट ले लेगा। अभी आपसे फिर मुलाकात होगी। ये देखिए यार, कुदरत का करिश्मा, पानी का रंग देखिए आप, किसी भी जगह आप ऐसा कलर पानी का नहीं देखेंगे। तो इस चश्मे के बीचों बीच ये मछलियाँ जो आपको दिख रही है, ये ज़्यादातर विजिबल नहीं होती है, जब इनको चारा वारा कुछ डालते हैं तभी ये विजिबल होती है। ये देख सकते हो भाई, कितनी अच्छी व्यू है यहाँ पे इन मछलियों के साथ। ये आप देख सकते हो, जब भी यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर लाना इन मछलियों के लिए, चारा वारा कुछ। तो आप वीडियो में बने रहिए। आप देख सकते हो कितनी अच्छी व्यू है, ओ क्या बात है भाई। तो इस चश्मे के बारे में एक और बात शेयर करनी थी, ये आपको पता ही है कि ये जहांगीर ने बनाया था, लेकिन एक बात ऐसी भी है, जब जहांगीर ने बनाया था उस टाइम अभी भी वैसा का वैसा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन ऐड नहीं हुई है उसको। ये जब उस टाइम बनाया था अभी भी वैसा का वैसा ही है। ये आप देख सकते हो उस टाइम की कितनी मतलब कारीगरी थी, कुछ नहीं हुआ इसको, ये आप देख सकते हो। तो हाँ जी गाइज़, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब एक्सप्लोर करेंगे गार्डन के पोर्शन को और मिलते हैं वहाँ पे। आप वीडियो में तब तक बने रहिए। तो अब हम करते हैं गार्डन के पोर्शन को एक्सप्लोर, वीडियो में बने रहिए। ये आप देख सकते हो, इसके बारे में सब कुछ डिटेल देंगे आपको, मतलब ये कितने हेक्टेयर्स में है, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। अभी हम इस गार्डन की थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आपको हमने ऊपर भी बताया था, इस गार्डन को जहांगीर के बेटे शाहजहां ने बनाया था। ये जो गार्डन है ये 12.5 एकड़ में फैला हुआ है। अभी आप हमारे साथ बने रहे। मैं अपने भाई से कहूँगा ये इस पार्क के थोड़े सिनेमैटिक शॉट ले लें, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहें हमारे साथ। तो हाँ जी गाइस, जो कि अभी अर्शिद भैया ने बोला कि ये जो गार्डन है ये 12.5 एकड़ में आता है, वो आता है 50,600 स्क्वायर मीटर्स में। वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा शॉट्स लेते हैं इसके, तब तक आप बने रहिए वीडियो में। ये जो पानी है ये अनंतनाग के बहुत सारे गांवों में इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए। बहुत ही साफ और शफाफ पानी है। बने रहे हमारे साथ। अगर आप यहाँ बाग में आओगे तो अगर बाग से थोड़ा नीचे आना पड़ता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बाज़ार मिलेगा। बाज़ार में हर एक चीज़ अवेलेबल है, खाने पीने की चीज़ें, बच्चों के लिए खिलौने, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आना चाहोगे तो यहाँ पे भी ज़रूर आना। तो ये यहाँ पे एक भैया है हलवाई, यूपी से है ये, तो यहाँ पे भी ज़रूर आना। ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा हलवा मिलता है यहाँ पे। ये देख सकते हो, इसको याद रखना, इस चेहरे को याद रखना। हाँ, ये देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत चेहरा है। सर कहाँ डालोगे? यूट्यूब पे, यूट्यूब पर डालो। यूट्यूब पर जबरदस्त सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। आइसक्रीम वाइसक्रीम ये वाले नीचे पोर्शन में मिलेगा आपको। ये देख सकते हो हलवा वलवा सब कुछ। पहनने के लिए चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल, सब कुछ, ब्रेसलेट्स वगैरह, चेन्स वेन्स वगैरह सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। ये वाली लोकेशन नीचे पोर्शन में मिलेगा आपको, जो बाग है उसके नीचे। तो अब हम जा रहे हैं बाग वाले ऊपर के पोर्शन में। अब वीडियो में तब तक बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो जल्दी और शेयर भी करो। तो गाइस कम ही लोगों को इसकी जानकारी होगी। तो वेरीनाग गार्डन है, उसके ऊपर वाले साइड में ये दूसरी पार्क आती है। यहाँ भी आएगा, देखेंगे हम भी अंदर जाके कैसी पार्क। हमारे लिए भी सरप्राइज़ है, आपके लिए भी सरप्राइज़ है। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए यार। तो हम पहले ऊपर चलते हैं, खाना शाना खाते हैं और फिर वो भी देखते हैं वहाँ पे है क्या। आप बने रहिए वीडियो में। ये देख सकते हो भाई, बहुत ही अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे तारा लगा हुआ है, क्या करें। हमने सोचा पहले खाना शाना खाते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं कोई। देखिए अगर होगा कोई, अगर होगा कोई तो देखते हैं। बट आप वीडियो में बने रहिए। ये अगर कोई टूरिस्ट आता है यहाँ पे, होटल्स मिलेगा आपको, वो भी कम दाम पे, और सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। आप देख सकते हो ये तो। क्या आप वीडियो में बने रहिए। तो गाइस अभी हम खाना खाने वाले हैं, आप बने रहे हमारे साथ, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्या मेन्यू होगा यहाँ देखेंगे, बने रहिए। ये वेरीनाग यहाँ पे पर देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगी पूरी गार्डन की व्यू। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा और सुंदर है ये गार्डन। वाह ब्यूटीफुल। तो करते हैं आज इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नई लोकेशन पे, हमें जाना है यहाँ से पोकरनाग। लेकिन जो पोकरनाग में हम व्लॉग बनाएंगे वो हम 2-3 दिन के बाद डालेंगे। आप तब तक करिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। कमेंट में बता दीजिए वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार बनाए रखें। दीजिए तब तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।